दादा गुप्ता है, हम कोलकाता से हैं। अगले मई में, अगला साल 2021 में मेरा डायलिसिस शुरू हुआ था 17-18 मई से, और हमने 2 महीना पहले आपका डाइट प्लान स्टार्ट किया है। पानी वाला थेरेपी हमने करीब 1 महीना से कर रहे हैं। मेरा 15 दिन पानी वाला थेरेपी करने से मेरा पसीना निकलने लगा, वजन घटने लगा। डायलिसिस में 3.5-4 किलो वजन मेरा बढ़ जाता, अभी मेरा वजन 2 किलो के ऊपर जाता, 1 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ता है, जिसमें 2 किलो पानी निकलता है डायलिसिस। पहले मेरा 300 डायलिसिस होता था, अभी हमने 1 स्किप कर दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। 15 दिन में 1 डायलिसिस स्किप कर दी, और अभी तो खैर मेरा बीपीओपी का प्रॉब्लम है ही, अभी दिक्कत है, लेकिन वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक तो हमने कम किया डायलिसिस, यही बहुत बड़ा बात हुआ मेरे लिए आपसे संपर्क में। अभी डाइट कितना परसेंट फॉलो कर पा रहे हैं? अभी डाइट तो मतलब पत्ते उत्ते का रस अभी नहीं लेते थे, हमसे आज से ही शुरू किया है। करेला का जूस आपने बंद करवा दिए थे, फ्रूट तो हम लेते हैं, सलाद भी लेते हैं, और बहुत बढ़िया। और थेरेपी भी सब ले रहे हैं, हेड एंड कोल्ड थेरेपी में हमको सोने वाला थेरेपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है सांस का, वो थोड़ा सा कम लेते हैं, लेकिन पानी बाद तब वाला थेरेपी पूरे लेते हैं। पहले 2-1.5 घंटा लेते थे, अभी तो 1 घंटा कर दिए हैं, तब पर ही मेरा 1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम पानी मेरा निकल जाता है 1 घंटा में। बाकी एनर्जी में, आपके डायलिसिस के बाद की शक्ति में, डाइजेशन में, ये सब में क्या इम्प्रूवमेंट पिछले वीक वाइज कैसा आपको लग रहा है? डाइजेशन में बहुत अच्छा है। पहले हमको डायलिसिस के 1 दिन या 2 दिन बाद ही मेरा खाना खाने की इच्छा नहीं रहता था, मन मतलब अच्छा ठीक नहीं रहता था, लेकिन अभी है कि 3 दिन के बीच होता है डायलिसिस, 1 दिन 4 दिन के बीच होता है, लेकिन उसके बाद भी हम मतलब खाना पीना खा लेते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आता है। पहले था कि 2 दिन बीतता था डायलिसिस का और मन बेचैनी होने लगता था, खाने की इच्छा नहीं होता था, दिक्कत होने लगती थी, लगता था कि पूरा मन भारी भारी है, पूरा वजन भारी, शरीर भारी लगता था। लेकिन पानी वाला थेरेपी करने के बाद बहुत राहत मिलता है, और पैर हाथ का में भी दर्द था वो भी चला गया है, और मन एकदम पानी से निकलने के बाद एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम लगता है कि हम अभी डायलिसिस करा के ही आए, इसे इस तरह बेटर लगने लगता है। ओके, रात का नींद वगैरह में कोई फर्क? नींद ठीक आती, रात का नींद प्रॉब्लम है, करीब 1.5-2 घंटा के बाद नींद खुल जाती है, फिर थोड़ा आने में टाइम लगता है, और कई सांस का प्रॉब्लम है, थोड़ा दिक्कत है, कभी कभी हो जाता है, सब दिन नहीं होता है, एक कभी कभी हो जाता है, एक सप्ताह में 1-2 बार सांस का प्रॉब्लम आ जाता है। 3 महीना पहले सांसों की दिक्कत में कितना फ्रीक्वेंसी था, और अभी सप्ताह में 1-2 बार हो रहा है, पहले कितना बार होता था? पहले भी ऐसा ही होता था, कभी कभी ही होता था सांस का प्रॉब्लम, अभी भी। चलिए बहुत अच्छा, तो बहुत बेहतर लगा, और आपको अंदर से लग रहा है कि अब धीरे धीरे अगले 6 महीना 1 साल मेहनत करके और बेटर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, पूरी तरह बंद कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बन रही है अंदर से? हाँ, अंदर से कॉन्फिडेंस तो है कि हमको बंद हो जाएगा डायलिसिस, कुछ महीना और करेंगे तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी धीरे धीरे बाकी थेरेपीज भी शुरू करेंगे, किडनी का पट्टी ऊपर लेटना, वो भी जैसे जैसे बीपी अच्छा होगा, ब्रीदिंग अच्छी होगी, तो वो सब भी शुरू करेंगे, और वो भी सपोर्ट करेगा ओवरऑल रिवाइवल के लिए, है ना। राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, मेरी पूरी ताकत रहेगी, मेरी पूरी प्रार्थना रहेगी कि आप स्वस्थ हो जाएं, पूरी तरह से डायलिसिस से, दवाओं से मुक्त हो जाएं। तो अभी दवाओं में भी कुछ डिफरेंस हुआ है? 3 महीना 2 महीना पहले मेडिसिन कितना खाते थे या क्या चीज का खाते थे, अभी उसमें भी कुछ कमी आई है? मेडिसिन में तभी कोई वैसे ही ले रहे, मेडिसिन कम नहीं किए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग एक बार और 1-to-1 करके मेडिसिन के ऊपर भी बात करेंगे, किसकी किसकी जरूरत है, और बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच।